हे हाय एवरीवन, दिस इज द्विवेदी। तो आज की इस वीडियो में यार हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनकी परसेंटाइल 90 से लेकर 95 तक है, उन्हें यूपी सिटी में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, कौन कौन से टॉप कॉलेज मिल सकते हैं। यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यार, हम इतने एक यूपी टीयू काउंसलिंग 2021 की से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें जब आप जाओगे तो यार कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेंगे, जैसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट मिलेगी, टॉप प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट मिलेगी, 60-70 परसेंटाइल से 35 परसेंटाइल के बीच में अगर आपकी परसेंटाइल है तब आप कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं, 70-80 अगर आपकी परसेंटाइल है तब कौन से गवर्नमेंट कॉलेज या तब कौन से प्राइवेट कॉलेज, इवन 80-90 है तब कौन से गवर्नमेंट कॉलेज या तब कौन से प्राइवेट कॉलेज पा सकते हो, इन सारी वीडियो में बना चुका हूँ और ये सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाने वाले हैं। तो अगर आपने प्ले लिस्ट में जाके अभी तक सारी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले जाओ और उन सारी वीडियो को देख लो। तो यार आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में यार हमारी बात होने वाली है ऐसे स्टूडेंट जिनकी परसेंटाइल 90 के अबव है और 95 से कम है, वो कौन कौन से कॉलेज पा सकते हैं यूपीटीयू में। तो यार आपके लिए जो सबसे बेस्ट कॉलेज हो सकता है वो है आईटी लखनऊ। आईटी लखनऊ काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर आपकी परसेंटाइल अराउंड 95 के आसपास है देन आप CSIT ब्रांच यहाँ पे पा जाएंगे। सेकेंड नंबर पे जो हमारा कॉलेज आता है, काफ़ी ड्रीम कॉलेज आता है, उसका नाम है JSS नोएडा। JSS नोएडा भी आप अगर आपकी परसेंटाइल 93-94 के आसपास है देन आप CSIT ब्रांच इधर पास आओगे। एंड थर्ड नंबर पे जो हमारा कॉलेज आता है उसका नाम है KNIT सुल्तानपुर, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर। AVR काफ़ी अच्छा कॉलेज है और अगर आपकी परसेंटाइल अराउंड 92-93 के आसपास है देन आप यहाँ पे CSIT ब्रांच पास आओगे। एंड फोर्थ नंबर पे जो कॉलेज आता है उसका नाम है BIET झांसी, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी। ये भी काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है यार, यहाँ भी अगर आपकी परसेंटाइल अराउंड 90 के आसपास है, 90-91 है देन आप पास आओगे। और लास्ट नंबर पे जो फिफ्थ नंबर पे हमारा कॉलेज आता है उसका नाम है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज। यह एक प्राइवेट कॉलेज है यार और इसमें आपको अगर आपकी परसेंटाइल 90-91 के आसपास है देन आप CSIT ब्रांच विद फी वेवर सीट के साथ आप पा जाओगे। फी वेवर सीट अगर अजय कुमार गर्ग में पा जाते हैं और काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट है, देन एक टॉप 5 इंस्टीट्यूट है यार UPTO के अंदर। और इनकी कटाफ क्या होगी CSIT ब्रांच की, वो 90-95 के बीच में ही रहने वाली है। तो इसकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। आई होप यार ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और चैनल पे नए हो तो फिर मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं, सी या गुड डे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।